बेटा तुम्हारी अम्मी बता रही हैं कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, कुछ खाती पीती नहीं हो और बस कमरे में बंद पड़ी रहती हो। क्या करूं अब वो बाहर आके? मेरे लिए तो कोई काम ही नहीं बचा, खत्म हो गई मेरी दुनिया। जिंदगी तो नाम ही चलते रहिएगा बेटा, हर दम उठा दो। और फिर भला जिंदगी का पहिया आज तक कौन रोक सका है? मैं भी तो हूं ना बेटा, मैं हस्बैंड की माँ हूं, वो सब कुछ रूटीन से कर रही है, करना पड़ता है बेटा, यही जिंदगी। ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी, तकदीर से आज तक कोई नहीं लड़ सका बेटा, अल्लाह ने ऐसा तकदीर में लिख दिया था बेटा। नहीं मानती हूँ इसी तकदीर को, सब कुछ नहीं लिखा था तकदीर में, ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले मुझे अगवा करना, फिर अस्मन को। अस्मन को इतनी बेरहमी और अजियत के साथ कत्ल करना, ये किस्मत का लिखा हो ही नहीं सकता। मेरी अस्मन की तकदीर ये नहीं थी, अल्लाह नाहक खून को कभी माफ नहीं करता, और ऐसा नहीं है, मैं खुद देख रहा हूं इस केस को। मुझे अपनी जान देकर भी ये केस लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगा, पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है। हाँ कोशिश कर रही है वो, एक कातिल तो ढूंढ नहीं सके अभी तक, माँ एक कातिल। पर मेरा वादा है आपसे, अस्वन के कातिल को मैं खुद ढूंढूंगी और देखिएगा आप, मैं ढूंढ के रहूंगी उसे अजियत और बेरहमी के साथ, मैं उसे मौत के मुंह तक लेकर जाऊंगी। ये दिल तन्हा